झारखंड के 14 सीटों में से 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। चुनावी दंगल को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा से राज्यसभा सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ राय से बातचीत करते हुए इंडिया गुट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। झारखंड के 14 में से 4 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन का दौर प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। राजनीतिक दल ताल ठोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें इंडिया गुट की, तो इंडिया गुट भी आगामी 21 अप्रैल को राजधानी रांची में एक भव्य उलगुरान रैली का आयोजन करने जा रहा है। भाजपा हमलावर है, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दीपक प्रकाश जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में। सर, आज से 4 सीटों के लिए शुरू हो जाएगा नामांकन का दौर, भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ विशेष तैयारी रहेगी? देखिए, लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत पर्व चुनाव, जिसमें जन भागीदारी की भूमिका पर देश का भविष्य तय होता है, और ऐसे समय में चुनावी प्रक्रिया में नामांकन एक बहुत अहम चीज है, और वहीं से जनता अपने उम्मीदवार को आंकने का काम शुरू कर देती है। इसलिए कल से 4 स्थानों पर नामांकन झारखंड में हो रहा है। अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, लेकिन जो लोग इस लोकतंत्र को अपवित्र करने का काम किया, जिन लोगों ने झारखंड में भ्रष्टाचार के पैमाने को बढ़ाने का काम किया, लूट खंड बनाने का काम किया, घोटालों वाले प्रदेश के रूप में स्थापित करने का काम किया, उनके नॉमिनेशन के साथ साथ हार भी तय, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपने लिए, जो घमंडिया गठबंधन है ना, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए अकूत संपत्ति बनाने का मशीन सत्ता को समझता है। उनके सामने गांव, गरीब, किसान, मजदूर नग्ने हैं, बल्कि अपने और परिवार के लिए ही चिंता करने का उनका सत्ता का उपभोग करते हैं। इसलिए सारे समाज के लोग आज मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने विश्व बंधुत्व को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, भारत के आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का काम किया। आज दुनिया में भारत 5वीं सबसे आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है, सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में, और आने वाले समय में जब मोदी जी की सरकार बनेगी तिबारा, तो भारत दूसरे स्थान पर आर्थिक ताकत बन करके उभरेगी। ये भारत नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया कह रही है, दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है। तो भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी बढ़ी है। खतरे में थी जो पहले, वो अब ठीक हो गई, बेहतर हो गई। अंत्योदय के जो सपने साकार हुए, आज हम कह सकते हैं कि आज हर गरीब आदमी 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, भारत की सरकार दे रही है। वैक्सीनेशन के एक लंबे क्रांतिकारी काम हुआ है, 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ इस देश के अंदर, 11 करोड़ इज्जत घर शौचालय बनाने का काम किया, 12 करोड़ लोगों को सीधा और सीधा आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया गया, 54 करोड़ लोगों को जनधन खाते खुलवाने का काम किया था, सड़कों का निर्माण, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प, घर में शुद्ध जल मिले इसके लिए संकल्प, और इन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और आने वाला समय में वन नेशन वन इलेक्शन, हम सब जानते हैं कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल कोड, बुजुर्गों को
चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है। 5 लाख लोगों को उनको मुफ्त में चिकित्सा की व्यवस्था की गई। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और अगली सरकार जो बनेगी वो 100 दिनों का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। अब तो आकाश से पाताल तक जो लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग कांग्रेस के लोग थे, अब तो आकाश में चंद्रमा में भारत का झंडा भी नरेंद्र मोदी जी ने फहराने का काम किया, भारत का झंडा। यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैनिफेस्टो में भी यूसीसी की बात कही गई है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि आदिवासियों की संस्कृति पर यह प्रहार करने का काम करेगा, आदिवासियों की संस्कृति धूमिल हो जाएगी। सारे विषयों को गंभीरता से देखा जा रहा है, अच्छे ढंग से देखा जा रहा है। कोई आदिवासी समाज का कोई एक व्यक्ति के मन में तकलीफ नहीं होगा, ऐसे कानून बनेंगे। किसी को भड़काने से आप देश को भला नहीं करने वाले। ये भड़काने वाले लोग आज आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी, जन्मदाता कांग्रेस है और उसको पोषक तत्व बना रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, RJD के लोग। आप बात कीजिए ना, कांग्रेस परिवारवाद पर आधारित। आज अगर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है उनके पास? राहुल गांधी, अघोषित रूप से। राहुल गांधी जी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा सकती है क्या? असंभव है, घोर असंभव है। इसलिए देश की जनता जब तुलनात्मक अध्ययन करती है तो ऐसा महसूस करता, एक तरफ देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरे तरफ एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में घमंडिया गठबंधन नाच रही है जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार से लिप्त था, परिवारवाद से युक्त था और भारत के विकास में अवरोध पैदा करने वाला था। और ये तीनों दल झारखंड के संदर्भ में अगर कहा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 बार आंदोलन को बेचने का काम किया और 12 बार इन्हीं कांग्रेसियों ने इस आंदोलन को खरीदने का काम किया। और RJD जो लालू यादव क्या कहते थे कि मेरी लाश पर बनेगा झारखंड, तो ये तीनों लोग झारखंड विरोधी हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य के रूप में झारखंड दिया है और झारखंड में भाजपा ही विकास करेगी, इसको निखारेगी, इसको सुगंधित करेगी। क्योंकि आप फिर जानते हैं कि अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है वह पूरी तरह से राज्य में अराजकता लाने में अराजकता ले आई है सरकार। चाहे कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, विकास का मामला हो, सभी मामले में राज्य की सरकारें भी विफल हुई है। मीडिया गुट की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है, जो मूल जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि रोजगार, ये सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी तक बातें नहीं कर रही है और मैनिफेस्टो में भी रोजगार की बातें नहीं कही गई है। देखिए, राम हमारे लिए आस्था का केंद्र बिंदु या राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं। हाँ, लेकिन ये सच है, राम का अर्थ होता है रोटी, राम का अर्थ होता है रोजगार और राम का मतलब होता है राम राज्य, कानून व्यवस्था। ये BJP लाना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग हैं रावण को आदर्श मानते हैं वो राम को क्या जाने। इसलिए जो लोग राम के अस्तित्व को इनकार करते थे उस दल का नाम है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट में कई एफिडेविट दे करके और राम, भगवान श्री राम के अस्तित्व को इनकार किया था। ये वही लोग हैं मंदिर बनाने के सवाल पर गोलियों का बछौर करने वाले मुलायम सिंह यादव थे जो इनके साथ खड़े नजर आ रहे। यही लोग हैं जिन्होंने श्वेत बंधु रामेश्वरम के अस्तित्व को इनकार किया था। यही लोग हैं
जो राम के नाम पर मजाक करने वाले लोग हैं। अरे ये वही लोग हैं जब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का पूजन उत्सव हो रहा था, राम लला विराज रहे थे और उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन निमंत्रण पत्र लेने से भी इनकार किया और वहाँ जाना तो उनके लिए नामुमकिन हुआ। देश की जनता जानती है, जो राम का नहीं वो भारत का नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है, 141 करोड़ जनता का नहीं। इसलिए राम के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के हृदय में राम बसे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बसे हैं और राम राज्य बसा हुआ है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि इस प्रकार से दीपक प्रकाश जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के मन में राम बसे हुए हैं और देश को राम राज्य बनाने की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अग्रसर है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ, रांची।